हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में, जिसमें हम लेके आए विश्वकर्मा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में। उसमें कौन कौन सी इंजीनियरिंग ब्रांचेस हैं, उसकी फैसिलिटीज़ क्या है, उसका प्लेसमेंट क्या है, उसका ओवरव्यू क्या है, वो सब आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। सो लेट्स गेट स्टार्ट। अगर हम सबसे पहले विश्वकर्मा का ओवरव्यू देखें तो इसकी लोकेशन है आती है अहमदाबाद के अंदर, अहमदाबाद गांधीनगर हाईवे पे चांदखेड़ा पे इसकी लोकेशन है। इसकी फीस की बात करें तो ये एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, तो इसकी फीस सिर्फ आपको पे करनी रहेगी 1,500 रुपीज़ एक साल के लिए। विश्वकर्मा में अभी टोटल 720 इंजीनियरिंग सीट्स अवेलेबल है, और ये कॉलेज सिर्फ इंजीनियरिंग की ही कॉलेज है, तो इसमें आपको काफ़ी सारे इंजीनियरिंग ब्रांच अवेलेबल है। और एडमिशन की बात करें तो इसमें आपको एडमिशन लेना है तो आपको गुजकेट क्लियर करनी पड़ेगी, और एसीपीसी की वेबसाइट पर से आपका लॉगिन करके एडमिशन प्रोसेस करना पड़ेगा। उसके बेस के ऊपर अगर आपका मेरिट रैंक इसके अंदर आता है तो आपको एडमिशन मिल सकता है। अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी इंजीनियरिंग ब्रांचेस है। तो सबसे पहले इंजीनियरिंग ब्रांच आती है केमिकल इंजीनियरिंग, जिसकी अभी विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट में 60 सीट्स अवेलेबल है, और फीस की बात करें तो एक साल की फीस है 1,500 रुपीज़, और लास्ट साल का कट ऑफ क्लोज हुआ था 3,044 पे। दूसरी ब्रांच आती है सिविल इंजीनियरिंग, इसकी अगर हम सीट्स की बात करें तो इसमें अभी 60 सीट अवेलेबल है। कट ऑफ की बात करें तो लास्ट साल इसका कट ऑफ क्लोज हुआ था 5,000 के आसपास, और अगर आपका कट ऑफ इसके अंदर है तो आपको इस कॉलेज में एडमिशन इजीली मिल सकता है। और दूसरी बात कि यहाँ पे जो कोई भी मैंने कट ऑफ लिखा है ये जनरल कैटेगरी के लिए, अदर कैटेगरी के लिए कट ऑफ थोड़ा सा डिफरेंस रह सकता है। अब हम आगे बात करते हैं, तीसरी ब्रांच है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, जिसके इंटेक 120 है, और इसका कट ऑफ क्लोज हुआ था 1,500 पर। तो इसके लिए आपको काफ़ी अच्छे गुजकेट प्लस फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के मार्क्स चाहिए, तभी आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल सकता है। फोर्थ ब्रांच है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसकी सीट भी 120 है, और इसकी फीस 1,500 रहेगी एक साल की, और कट ऑफ की बात करें तो इसका कट ऑफ क्लोज हुआ था 5,500 पर। अब आता है ईसी इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसकी इंटेक है 120, और फीस की बात करें तो इसकी फीस है 1,500 रुपीज़ एक साल की, और कट ऑफ क्लोज हुआ था इसका 6,900 के आसपास। तो इसमें आपको इजीली एडमिशन मिलने के चांसेस है, क्योंकि इसका कट ऑफ काफ़ी ऊपर जाके कम हुआ था। अब आता है आईटी इंजीनियरिंग, इसकी इंटेक 60 है, और इसके लिए भी कट ऑफ काफ़ी नीचे क्लोज हुआ था, जो है 1,800 के आसपास। सो इसके में अंदाजित बात करूँ तो इसके लिए आपको 95 प्लस मेरिट मार्क्स चाहिए, तभी आपको आईटी इंजीनियरिंग में विश्वकर्मा गवर्नमेंट में एडमिशन मिल सकता है। आगे बात करें तो अगली ब्रांच है आईसी इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इसकी विश्वकर्मा में 60 इंटेक है, और फीस है 1,500 रुपीज़, और इसका कट ऑफ क्लोज हुआ था 8,400 के आसपास। अब आते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो उसका कट ऑफ क्लोज हुआ था 2,300 के आसपास, और इसके इंटेक है 60। सो इसमें भी काफ़ी कम सीट है, और कट ऑफ भी काफ़ी क्लोज कम होता है, तो इसके लिए आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स चाहिए एडमिशन लेने के लिए। अगला इंजीनियरिंग ब्रांच है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये गुजरात में काफ़ी कम कॉलेजेस ऐसी है जो इस कोर्स को ऑफर करती है। सो विश्वकर्मा में ये आपका कोर्स रहता है, जिसके लिए सीट्स है 60, और कट ऑफ क्लोज हुआ था 15,000 प्लस। अब हम बात करते हैं इसकी फैसिलिटी की, सो इसमें आपको बॉयज़ हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है, और मेस भी है। सो अगर आप कहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आते हो तो इसमें आप हॉस्टल में भी एडमिशन ले सकते हो, और गवर्नमेंट कॉलेज है इसलिए हॉस्टल की भी फीस काफ़ी कम रहती है कम्पेयर टू द अदर प्राइवेट कॉलेजेस, और इवन पीजी के भी कंपेयर में हॉस्टल की फीस काफ़ी कम रहती है, और ऊपर इसमें मेस की भी फैसिलिटीज़ है, सो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी फैसिलिटीज़ है। इसके अलावा कैंपस में वाईफाई, लाइब्रेरी, हॉस्टल, ये सब भी फैसिलिटीज़ विश्वकर्मा में अवेलेबल है। ये इसका मेन बिल्डिंग है, आप देख सकते हो, ये गवर्नमेंट कॉलेज है तो इसमें काफ़ी बड़ा कैंपस फैला हुआ है इसका, और इसमें बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल और सभी डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग बिल्डिंग है, तो ये काफ़ी बड़ा कैंपस है। ये इसका बॉयज़ हॉस्टल का बिल्डिंग है, ये भी काफ़ी बड़ा है, और हॉस्टल में भी काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है, रूम भी काफ़ी अच्छे है। ये बॉयज़ हॉस्टल का फर्स्ट ब्लॉक है, आप देख सकते हैं ऊपर वाटर हीटर लगा हुआ है, आपको गर्म पानी मिलता है, इसके अलावा सिक्योरिटी भी प्रोवाइड रहती है। सो हॉस्टल में भी काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है। अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो विश्वकर्मा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग है तो काफ़ी सारी कंपनियाज भी वहाँ पर आती है, और ये गुजरात की काफ़ी टॉप 10 कॉलेजेस में भी आती है, तो प्लेसमेंट भी इसके हिसाब से काफ़ी अच्छा है। इसमें काफ़ी सारी मल्टीनेशनल कंपनियाज आती है, जैसे कि टोरेंट पावर है, सिल्वर टच, एसपीसी इंडिया, ई इन्फोचिप्स, तत्वा सॉफ्ट, TCS, साइबेक, और काफ़ी सारी ज़्यादा IT कंपनियाज और इवन अदर कंपनियाज भी आती है जो काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट देती है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा है देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, और इफ़ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।